हे हाय हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग को तीन अलग अलग विभागों से आई हुई नोटिफिकेशन के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से जानकारी देंगे। जानकारी क्या होगी वो आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगी बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। जी हाँ, आइए नोटिस न्यूज़ पे चलते हैं और फटाफट आप लोग को एक एक न्यूज़ और एक विभाग की बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उर्मिला की तरफ से आई हुई न्यू ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। जी हाँ, ज्वाइनिंग की बात करेंगे, नियुक्ति पत्र की बात करेंगे। तो विषय पे सूचना दिया जा रहा है कि DMAUS की स्थापना हेतु 32 जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के संबंध में। जी हाँ, आप लोग को बता दें राज्य स्वास्थ्य समिति पटना के तहत अभी जो है 32 नए डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो है चयनित कर नियुक्ति हेतु सूची पत्र संकलन कर भेजी जा रही है। कुछ इस प्रकार से जो है लिस्ट पे नेम देख पाएंगे। तो ये नियुक्ति पत्र की लेटर PDF हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं। जो लोग वेट कर रहे थे उर्मिला की तरफ से ज्वाइनिंग आएगी, उन सभी अभ्यर्थी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप RPR एजुकेशन को ज्वाइन करके इस नोटिस PDF को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये पहली आज की अपडेट्स। बात करेंगे दूसरी अपडेट्स की। तो आज की दूसरी अपडेट जो है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत आ रही है। जी हाँ, बेल्ट्रन के निदेशक जो है उनको ये लेटर लिखा गया है। जी हाँ, विषय में कहा जा रहा है कि BPSM के अंतर्गत कार्यपालक सहायक के जिला जो है स्तरीय पैनल से अन्य कार्यालय में नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजन मुक्त किए जाने की स्थिति में उनकी पूर्ण नियोजन की दिशा में कार्रवाई अब बेल्ट्रन के द्वारा की जाने के संबंध में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कार्यपालक सहायक के जो जिला स्तरीय पैनल थे, जिन जो है कार्यपालक सहायकों की जो है नियोजन मुक्त किया गया था, अब उन कार्यपालक सहायकों को एक बार पूर्ण नियोजन करना है, उसके लिए लेटर लिखा गया है और कहा गया है कि आगे की कार्रवाई, आगे का कामकाज वो बेल्ट्रन करेगी। वही सूचना इस लेटर PDF पे दिया गया है। तो साफ साफ तौर पर यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कहा जा रहा है कि कार्यपालक सहायकों का दक्षता परीक्षा आयोजित किया जाएगा तथा सफल जो अभ्यर्थी होंगे उनको बेल्ट्रन के पैनल पे शामिल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पे एक नोट पे सूचना भी जानकारी मिल रही है कि अनुशासनिक कारणों से नियोजन मुक्त कर्मियों को छोड़कर, जी हाँ, जिन्होंने जो है शासन का पालन नहीं किया है उन कर्मियों को यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। तो ये अब परीक्षा जो है दक्षता बेल्ट्रन के थ्रू आयोजित किया जाएगा। इससे पहले जो है बेल्ट्रन के थ्रू जो एग्जामिनेशन दिनांक 31/7/2021 को लिया गया था, उसकी एक जो है क्वेश्चन कॉपी हमारे पास आ चुके हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस की जो है एक कैंडिडेट्स की जो है हमारे पास PDF है। हमने इस पे वीडियो भी बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे किस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो है सेम उसी तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोग को वाई करना है तो हमने PDF जो है लगभग 6 महीने एगो ही बना दिए थे, वो PDF आप लोग बाय कर सकते हैं। सेम टू सेम वो क्वेश्चंस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुए हैं। हिंदी में अलग PDF है, इंग्लिश में अलग PDF है, जाके आप लोग बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने और भी जो है दो अलग अलग वीडियोज़ की जो है लिंक दिए हुए हैं कार्यपालक सहायक संबंधित एग्जाम से संबंधित अपडेट से, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। कार्यपालक सहायक संबंधित और भी अपडेट्स आप लोग को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे तीसरी अपडेट्स की। तीसरी और आखिरी अपडेट्स में बात करेंगे बिहार स्टेनोग्राफर की। जी हाँ, स्टेनोग्राफर संबंधित हमने एक वीडियो बीते कल को यानी कि 1 डे ago बनाए थे, जिनमें कि कुछ कमेंट्स ऐसे आए हुए थे जो कि जिनकी इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचाना ज़रूरी था, हमने इसलिए इस टॉपिक को कवर किए। आइए क्या स्टेनोग्राफर से जुड़ी अपडेट्स है वो आप लोग को बताते हैं। तो वीडियो जो बनाए थे उसमें दो अलग अलग भाइयों ने कॉमेंट किए थे जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, देख पाएंगे। सर रॉन्ग बोल रहे हो, मैंने खुद जो है बेल्ट्रन ऑफिस पे कॉल किया था, बताया गया कि 1st and 2nd week तक स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ, एग्ज़ाम से संबंधित बात किए थे कब एग्ज़ाम होगा, तो परीक्षा जो है वो कहा जा रहा है कि देख पाएंगे यहाँ पे 1st या 2nd week तक जो है आप लोग का नोटिस आ जाएगी। वही दूसरी भाई जो कि लगातार जो हमारे बीच जो है जुड़े रहे हैं, भी है, इनका नाम तो हमें पूरा नहीं पता, लेकिन ये जो भाई है
हर एक वीडियो को गौर से समझते हैं, देखते हैं और उसी हिसाब से कमेंट करते हैं। तो उन्होंने देख पाएंगे, बहुत दिनों की बात एक कमेंट्स उन्होंने किए कि गलत बोल रहे हो भाई, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि स्टोनो के बारे में हम लोगों ने खुद बेल्ट्रॉन जाकर पता कर चुके हैं, सितंबर तक क्लियर हो जाएगा और कंप्लीट प्रोसेस जो है स्टोनो की। दूसरी बात, इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने इलेक्शन की जो है बातें भी बीच में जो है घुसे रहे थे। तो यहाँ पे देख पाएंगे इन्होंने जो है डायरेक्ट कांटेक्ट किए हुए हैं, जाके भी पता किए हैं कि सितंबर जो है फर्स्ट सेकेंड वीक तक जो है स्टोनोग्राफर की एग्ज़ाम से संबंधित नोटिस आ जाएगी, एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए ले जाएगी, ठीक है। ये अपडेट जो है आ रही है, हमेशा हमने सही हो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। उसी के अनुसार जो अभी कमेंट्स आ रहे थे, ये भाई की जो है लगातार जो एक्टिव रहते हैं, तो हमने इसकी बात को जो है 100% सही समझे, इसलिए आप लोग को स्टेनोग्राफर से संबंधित ये अपडेट्स जो है देना जरूरी समझे। साथ वीडियो के यहाँ पे समाप्त करेंगे। तीन अलग अलग विभाग से जो अपडेट्स आ रही थी, जो सच्चाई थी, हमने आप लोग को बता दी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, अपडेट्स आती रहेगी, आप लोग को बताते रहेंगे। धन्यवाद।